भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी प्रमुख ने कंगना रनौत के विरुद्ध हुई कार्रवाई में एक्ट्रेस का ऑफिस तोड़े जाने पर सवाल उठाए हैं। मुंबई में मचे बवाल से आहत होते हुए एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि बीएमसी की कार्रवाई ने अनावश्यक रूप से कंगना को बोलने का अवसर दिया है। मुंबई में और भी अवैध निर्माण है, गौर करने की जरूरत है। प्रशासन की ओर से ये कदम अवैध रूप से निर्मित निर्माण को गिराने के लिए उठाया गया है। प्रशासन का काम राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। राज्य में मूल रूप से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन है। बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।